हेलो साथियों कैसे आप सभी मैं विवेक एक बार फिर से साथ आप सभी साथियों का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति तो डेली हमारी सुबह साढ़े छह बजे करंट अफेयर की क्लास होती है आज भी है चलिए याद रखिएगा कि सुबह साढ़े छह बजे हंड्रेड टेन परसेंट करंट अफेयर की क्लास में आपको आने ही आना है रात में इसी क्लास का रात ग्यारह बजे पंद्रह से बीस मिनट में पंद्रह से बीस मिनट में पूरा रिवीजन करा दिया जाता है जितना भी रिवीजन होता है ओवरऑल और सुबह आधे घंटे आप पहले जब जाया कीजिए ऐसे सुबह छह बजे और सुबह की पढ़ाई बहुत फायदेमंद भी होती है तो पिछला दिन जो है पिछले दिन का एक बार रिवीजन कर लिया और साढ़े छह बजे से अपनी क्लास ले ली छोटी मोटी कोई भी ऐसी खबर नहीं होती कि जिसको कवर ना करते हो कोशिश रहती है कि आपकी जितनी भी महत्वपूर्ण चीजें हैं वो सब कवर हो एक छोटी सी रिक्वेस्ट और है कि आपसे भी लोग प्लीज शेयर जरूर कर दिया कीजिए जिससे कि की हमें भी अच्छा अच्छा लगे क्वेश्चन नंबर वन आ जाता है अच्छे से समझिएगा फार्मासिस्ट पॉपरली पॉपुलरली नोन एज स्वास्थ्य के हिसाब सिपाही कह रखा है फार्मासिस्ट फार्मासिस्ट अर्थात वो व्यक्ति जो फार्मेसी चलाते हैं जिन्हें स्वास्थ्य के सिपाही कहा जाता है भारत सरकार की किसी योजना के तहत रोगियों के घर पर आवश्यक दवाएं उपलब्ध करा रहे हैं आवश्यक दवाएं उपलब्ध करा रहे हैं रोगियों के घर पर आवश्यक दवाएं उपलब्ध करा रहे हैं प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र मिशन इंद्रधनुष प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना आयुष्मान भारत तो इसमें जब हम चार ऑप्शन को देखते हैं तो मिशन इंद्रधनुष तो समझ में आ जाता है कि ये इम्यूनाइजेशन से संबंधित है ये वैक्सीनेशन से संबंधित है किससे संबंधित है वैक्सीनेशन जिसमें हमें टीका लगाया जाता है ये टीकाकरण से संबंधित है बीमारियों से बचाने के लिए इसमें टीकाकरण होता है जब प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना की बात आती है तो यह एक बीमा स्कीम है क्या स्कीम है बीमा इंश्योरेंस स्कीम है जिसमें आप कंट्रीब्यूट करते हो आप अपना अंशदान देते हो और आपको बीमा कवर मिलता है जबकि आयुष्मान भारत प्रत्येक परिवार को पांच लाख रुपए का मेडिकल कवर सरकार की ओर से दिया जाता है कि साल में प्रत्येक परिवार जो भी आयुष्मान भारत का कार्ड रखता है वो पांच लाख तक का चुनिंदा हॉस्पिटल जो भी आयुष्मान भारत के अंतर्गत आते उनके उनमें अपनी दवाइयां आदि अपनी चिकित्सा पांच लाख रुपए तक की फ्री पा सकता है तो ये, इसका मतलब ये तीनों ही इन बी सी और डी में से कोई भी औषधि या दवाई से नहीं जुड़ा हुआ तो कौन सा आ गया प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र के अंतर्गत जो स्वास्थ्य के सिपाही अर्थात फार्मासिस्ट हैं ये रोगियों और बुजुर्गों के घर पर आवश्यक सेवाएं और दवाइयां पहुंचा रहे हैं आवश्यक सेवाएं और दवाइयां पहुंचा रहे ठीक है भैया ये जो फार्मेसी होती हैं इन्हें ब्यूरो ऑफ फार्मा द्वारा चलाया जाता है याद रखिएगा जन औषधि केंद्रों को कौन संचालित करती है जन औषधि केंद्र जन माने आदमी पब्लिक औषधि माने मेडिसिन ब्यूरो ऑफ फार्मा यह एक ब्यूरो ऑफ फार्मा यह एक सरकारी कंपनी है यह क्या है एक सरकारी कंपनी है आगे जाता है प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना यह डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स अर्थात जो हमारा फार्मा आदि को देखने वाला विभाग है वो इस विभाग ने इसकी शुरुआत की थी इसके अंतर्गत जो भी दवाइयां होती हैं, उसके जेनेरिक वर्जन जेनेरिक दवाओं को प्रदान किया जाता है एक क्वेश्चन आ जाता है जेनेरिक दवाइयां क्या होती हैं? तो जेनेरिक दवाइयां होती हैं, जैसे अभी समझिए कि मान लो मैंने एक एक्स नाम की दवा बनाई मैं एक प्राइवेट कंपनी हूं मैंने एक एक्स नाम की दवा बनाई किसकी कोविड नाइनटीन की और मुझे इस दवा के ऊपर 20 साल का पेटेंट मिल गया कि भाई 20 साल तक इस दवा को सिर्फ मैं ही बनाऊंगा इसकी कॉपी कोई नहीं करेगा मेरी साल्ट आदि को मतलब जिन चीजों का इस्तेमाल करके कुछ ना कुछ तो मैंने इसमें इस्तेमाल किया होगा तो जिन सॉल्ट आदि का इस्तेमाल करके मैंने दवा बनाई उन पर मुझे पेटेंट मिल गया पेटेंट मतलब मुझे पूरा अधिकार है अब इस दवाई को मैं ही बना सकता हूं कोई और नहीं बनाएगा अब बीस साल खत्म हुए पेटेंट खत्म हो गया तो अब ये जो सॉल्ट है जो जिनसे मैंने दवा बनाई थी उन उन्हें इस्तेमाल करके कोई भी दवा बना सकता है पेटेंट की वजह से दवाएं क्या हो जाती है महंगी हो जाती है तो इसी वर्जन को हम जेनेरिक वर्जन कहते हैं क्या कहते हैं जेनेरिक वर्जन जैसे हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन है हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन जो अभी बहुत ज्यादा चर्चा में है मलेरिया की दवा जिसके बारे में कहा जाता है कि कोरोना से लड़ने में यह दवा कारगर है हालांकि कुछ वैज्ञानिक कुछ डॉक्टर इस बात को गलत कहते हैं और कुछ डॉक्टर इस बात को सही कहते हैं तो जो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन है एक जेनेरिक दवा है, मलेरिया की दवा है, पहले इसके ऊपर पेटेंट हुआ करता था अब सबको पता है कि कौन कौन से सॉल्ट है तो कोई भी कंपनी सरकार से इजाजत लेके इसको बना सकती है अब जेनेरिक दवाइयां जो होती हैं ये सस्ती दवाइयां होती हैं। जेनेरिक दवाइयां क्या होती हैं? सस्ती दवाइयां होती हैं। गुणवत्ता और प्रभाव में ये ब्रांडेड दवाओं के बराबर होती हैं, लेकिन वैसे सस्ती होती है जन औषधि सुगम ये जो डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स है ये केमिकल एंड फर्टिलाइजर मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है किसके अंतर्गत रसायन एवं फर्टिलाइजर मंत्रालय खाद्य मंत्रालय चलिए इन्होंने एक जन औषधि सुगम नाम से जन औषधि सुगम नाम से मोबाइल एप्लीकेशन भी लॉन्च की हुई है जिससे कि आपके आसपास कौन सा जन औषधि केंद्र है उसकी जानकारी आपको हो जाती है जन औषधि सुगम अभी इसके तहत दो गोदाम चेन्नई और गुड़गांव में और लगभग पचास डिस्ट्रीब्यूटर हैं जो इस योजना के तहत घर घर दवाएं पहुंचाने का काम कर रहे हैं फिर इसको और आगे बढ़ा दिया जाएगा आगे आ जाता है बाकी के बारे में आयुष्मान भारत योजना रांची से झारखंड के रांची से इस योजना को 23 सितंबर 2018 में लॉन्च किया गया था प्रत्येक परिवार को पांच लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा देने के लिए प्रत्येक परिवार को पांच लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा देने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तत्वाधान में और अभी इससे लगभग 50 करोड़ के करीब बहुत ज़्यादा कमज़ोर और जो गरीब परिवार है वो इसके अंतर्गत आते हैं और अभी हाल ही में कोविड 19 की जो टेस्टिंग है उसे भी आयुष्मान भारत योजना के तहत कर दिया गया है याद रखिएगा कोविड 19 की टेस्टिंग के लिए जो सरकारी अस्पताल है वहां तो फ्री होती है यदि आपके अंदर सिम्टम आते हैं तो फिर कोविड नाइनटीन का टेस्ट कराया जाता है और यदि सरकारी में नहीं कराते आप प्राइवेट में कराते हैं तो आपको याद होगा कि प्राइवेट पैतालीस सौ रुपए से ज्यादा लेने से मना कर दिया था अर्थात सरकार ने पैतालीस सौ रुपए प्रति जांच प्राइवेट लैब में फिक्स कर दी थी अब क्या हुआ कि अभी कुछ दिनों पहले एक वकील ने सुप्रीम कोर्ट में एक एप्लीकेशन दी एक रिट दायर की कि भाई देखिए एक्चुअल में पीआईएल दायर की उन्होंने कहा कि पैंतालीस सौ रुपए बहुत ज्यादा है और भारत की ऐसी बहुत सी गरीब जनता है जो इस पैतालीस सौ रुपए में अपना टेस्ट नहीं करा पाएगी। आप इसे फ्री करने की इजाजत दीजिए क्योंकि राइट टू लाइफ आर्टिकल इक्कीस के तहत प्रत्येक भारतीय को जीवन का अधिकार है राइट टू लाइफ हमारा फंडामेंटल राइट है याद है ना आपको अनुच्छेद 21 में राइट टू लाइफ हमें फंडामेंटल अधिकार दिया गया तो कल सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है कि जो प्राइवेट लैब में टेस्टिंग है उसे भी फ्री किया जाए तो अब से सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार सरकार को प्राइवेट लैब की टेस्टिंग भी फ्री करनी होगी अब सरकार क्या करेगी कि वो उतने ही रुपए जितने पब्लिक उस लैब को देती उसे सरकार प्रति व्यक्ति जितने भी वो लैब टेस्ट करेगी प्रति टेस्ट अब सरकार को से पे करना होगा जैसा कि आयुष्मान भारत योजना में कह होता है अब जो भी, जो भी भी आयुष्मान भारत योजना के तहत आते हैं मान लो एक्स नाम का व्यक्ति है मेरे पास आयुष्मान भारत का कार्ड है मैं इसमें एलिजिबल हूँ और मैं बीमार हो जाता हूं मैं एक हॉस्पिटल जाता हूं वहां मेरी बीमारी में एक लाख रुपए का खर्चा आता है तो मुझे आयुष्मान भारत से पांच लाख रुपए तक का पूरी साल का कवर मिला हुआ है तो मेरा कवर एक लाख खत्म हो गया कितना बचा चार लाख तो इस लाख का जो बिल है वो मेरे लिए सरकार पे करती है तो अब ऐसा ही सरकार को करना पड़ेगा प्राइवेट कंपनियों में की भी सुप्रीम कोर्ट ने टेस्टिंग फ्री कर दी है टेस्टिंग फ्री कर दी ठीक है इसी तरह मिशन इंद्रधनुष अभी ये टीकाकरण परियोजना है क्या है बच्चा टीकाकरण परियोजनाएं और अभी इसका इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 2.0 इसका जो नया वर्जन है उसे लॉन्च किया गया था इसमें आठ बीमारियों को कवर किया जाता है मिशन इंद्रधनुष में मीजल्स मीजल्स टेटनस डिप्थीरिया कफ हेपेटाइटिस बी ट्यूबरकुलोसिस जाइटिस एंड पोलियो माइलाइटिस डिप्थीरिया टाइटनस हेपेटाइटिस ट्यूबरकोसिस मैनजाइटिस एंड पोलियो टैटनस डिप्थीरिया काली खांसी हेपेटाइटिस बी टीबी बी और पोलियो और कुछ इलाके ऐसे भी हैं कि जहां पर जापानी एंसेफ्लाइटिस जिसे दिमाग का बुखार कहा जाता है और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा इसके केस ज्यादा आते हैं, तो वहां इन दो बीमारियों का भी टीकाकरण इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष धनुष टू पॉइंट जीरो के जरिए किया जाएगा चलिए आगे आ गया जाते बच्चा द सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर एसोसिएशन ऑफ इंडिया रिपोर्टेड डेट एडिबल ऑयल इंपोर्ट इन इंडिया हैज डिक्लाइंड बाय व्हाट परसेंट इन मार्च 2020 ध्यान से पढ़ने की बात है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया कहा कि मार्च 2020 में भारत में खाद्य तेल के आयात में गिरावट आई है खाद्य तेल कौन सा होता है जैसे सरसों का तेल जिसमें आप खाना पकाते हो जैसे कि सरसों का तेल जैसे कि सनफ्लावर ऑयल जैसे कि आपका रिफाइंड ऑयल सोयाबीन ऑयल तो इनसे आप क्या करते इनका इस्तेमाल खाना पकाने में किया जाता है तो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर एसोसिएशन ऑफ इंडिया कहती है कि इसके आयात में गिरावट आई है अब वो गिरावट कितनी आई है तो बत्तीस पॉइंट चार चार प्रतिशत कितनी प्रतिशत बत्तीस पॉइंट चार चार प्रतिशत गिरावट गिरावट आई है एक्चुअल में हम लोग खाद्य तेल के सबसे बड़े आयातक हैं चाहे वो पेट्रोल तेल हो ईंधन वाला तेल चाहे वो खाने वाला तेल हो हम बड़े आयातक हैं खाने वाले तेल के तो हम बहुत बड़े आयातक हैं लेकिन कोविड 19 की वजह से उस आयात में कमी आई है बत्तीस पॉइंट चार चार प्रतिशत बत्तीस पॉइंट चार चार प्रतिशत याद रखिएगा हमारे यहां साठ मतलब जितनी तेल की हमारे यहां पैदावार होती है जितना सरसों सनफ्लावर मूंगफली सबसे जो तेल बनता है तो अगर हमारे यहां सौ लीटर की रिक्वायरमेंट है तो हम चालीस लीटर ही उसको फुलफिल कर पाते हैं उतना ही हमारे यहां पर उत्पादन होता है साठ परसेंट हमें इंपोर्ट करना होता है साठ परसेंट क्या करना होता है इंपोर्ट करना होता है खाद्य तेल इंपोर्ट करना होता है खाद्य तेल, तेल। चलिए और पिछले बार के मुकाबले 90 परसेंट और ओवरऑल बत्तीस पॉइंट चार चार परसेंट ठीक है भैया दूसरी तरफ हो क्या रहा है ऊपर कर रहा हूं ये बड़ा होता जा रहा एक शहर रुगुना क्या हो रहा है क्या आग लग गई इसमें फिर बड़ा होता जा रहा ऊपर कर रहा हूं ऊपर नहीं हो रहा बहस कर रहा है ये भी देख रहे हो तुम क्या हो गया हैंग हो गया, गया? अरे भाई ऊपर होना है क्या हो गया नाराज हो गया ऊपर हो जा सारे नाराज हो रहे हो क्या भे हो जा जाटी अच्छा हो जा हो जा हो जा कच्चा दोबारा खोलता है भाई काम नहीं कर रहा रुक जाना में इसे रिस्टार्ट कर रहा हूं जाना मत मैं इसको रिस्टार्ट कर रहा हूं बाकी काम कर रहे हैं। ये काम ना कर रहा रामफल अरे हो जा जाना से कर रहा हूं, okay. हूं। okay. रुक जाइएगा और बताओ कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई परिवर्तन की क्लास कौन कौन ले रहा है ज्योग्राफी की धुआंधार चल रही है इकोनॉमिक्स की सोमवार से मैथ रीजनिंग भी शुरू हो जाएगा फिजिक्स केमिस्ट्री पे भी ध्यान है हिंदी आदि भी शुरू हो जाएगी जो यूपी आदि की कर रहे हो एन का स्टेटिक वगैरह जी के सीबीटी वन सीबीटी टू दोनों को ध्यान में रखते हुए अब देखते हैं अब चल जाए हो जाती है कभी कभी कमी मशीन है मशीन फेलियर नहीं हो गया ना ठीक चलिए आगे आ जाता है अब ऐसा क्यों किया गया था कि इसकी रिफाइंड मतलब इसकी यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्यों कमी हुई कमी का कारण यह है कि रिफाइंड ब्लीच एंड ड्राइज अर्थात जिसके अंदर भी होती है पालमोलिन ऑयल जो होता है इसको प्रतिबंधित सूची में डाल दिया गया था अर्थात यदि कोई इंपोर्टर इसको बाहर से मंगवा रहा है तो उसको पहले लाइसेंस लेना पड़ेगा क्या लेना पड़ेगा इसको लाइसेंस लेना पड़ेगा इंडिया ताड़ का जो तेल होता है ऑयल इसे मेनली इंडोनेशिया और मलेशिया से आयतित करता है और आपको पता है कि जो मलेशिया का पूर्व प्रधानमंत्री है उसने संयुक्त राष्ट्र की महासभा में कश्मीर के ऊपर टिप्पणी कर दी थी तुर्की ने मलेशिया ने इन दोनों ने पाकिस्तान का पक्ष लिया था तो इस वजह से हमने कहा कि भाई हम यहाँ से तेल नहीं मंगा रहे इस वजह से इसके आयात में क्या हो गई कमी हो गई इसी तरह हम जो सोयाबीन ऑयल है इसे अर्जेंटीना से मंगाते हैं कहाँ से मंगाते हैं अर्जेंटीना से सोयाबीन ऑयल को अर्जेंटीना से जबकि सनफ्लावर ऑयल को हम लोग यूक्रेन से मनाते हैं अपने आप हो गया भाई हमारे इसमें कुछ गड़बड़ आ रही है हमारा बाबू नाराज हो गया जय मास सरस्वती हमारा बाबू नाराज हो गया देख रहे हैं रुकिए कुछ गड़बड़ आ रही है ऐसे समय पर कारीगर भी नहीं मिलेंगे ठीक ठीक रहे गड़बड़ मत कर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपेसते हूं लोक उजा कर ना पीरा जबत निरंतर हनुमत पीरा ठीक हो जा देखते हैं अरे हो जा भाई क्यों कर रहा है ऐसा जाना बच्चा कोशिशें जारी हैं वो सही कहा किसी ने कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है कुछ गड़बड़ हुई भी थी। चलो अब की बार देखते हैं। अरे हो जा यार क्यों खून का प्यासा हो रहा है? ठीक है भैया और यूक्रेन और, और रूस से यूक्रेन और रूस से हम लोग क्या मंगाते हैं सूरजमुखी का तेल मंगाते हैं ये जो वैल्यूज है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है डेटा इसको याद रखिएगा एसएससी टीसीएस 100 परसेंट पूछती है चाहे एनटीपीसी हो चाहे एसएससी हो कच्चे क्योंकि इससे दो तरीके हैं एक तो मलेशिया से जुड़ा हुआ मुद्दा है कश्मीर से जुड़ा हुआ मुद्दा है उससे ट्रेड पर असर पड़ रहा है व्यापार पर तो ये सारी चीज़ें आपस में मिल जाती हैं कच्चा पाम तेल और कच्चा पाम कर्नेल तेल मार्च 2020 के दौरान 38 परसेंट घटके तीन लाख चार हजार चार सौ अट्ठावन टन जबकि 2019 के दौरान ये इतना था ओवरऑल बत्तीस हिसाब मतलब बत्तीस पॉइंट चार चार परसेंट असर पड़ा है इसी तरह सोयाबीन तेल का भी आयात जो पहले दो लाख बानवे हजार नौ सौ पच्चीस था वो दो लाख बानवे हजार चार सौ दस इस पर तो इतना असर नहीं पड़ा अब टोटल एडिबल ऑयल का अगर आप देखोगे तो पूरे वर्ष में मार्च की बात नहीं हो रही है पूरे वर्ष में पिछले हिसाब से घटकर लगभग दस परसेंट के करीब घट गया कितना लगभग दस परसेंट साठ लाख पांच हजार सड़सठ लीटर से तरेपन लाख मतलब टन से त्रेपन लाख इक्यानवे हजार आठ सौ टन रह गया ये यह वो कंपनी है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया उन्नीस सौ में इसमें जितनी भी ऑयल बनाने वाली कंपनी है उनका उनकी एसोसिएशन है ओवरऑल तीस मिलियन टन हमारे यहाँ तेल को प्रोसेस करने की क्षमता है तीस मिलियन टन और तेल का जो वर्ष होता है तेल का वर्ष बच्चा नवंबर से अक्टूबर तक चलता है कब से कब तक नवंबर से अक्टूबर जैसे हमारा वित्त वर्ष होता है अप्रैल से मार्च चलता है अप्रैल से मार्च इसी तरह जुलाई से जून किसका चलता आरबीआई का और इसी तरह जो तेल का साल होता है वो नवंबर से अक्टूबर तक चलता है नवंबर से अक्टूबर तक चलता है आगे आ जाते हैं वाणिज्य मंत्रालय ने मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एज डिजाइन एंड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फॉर दुंस ऑफ अ की डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर एक्सपोर्ट टू दोज कंट्रीज विद विद विच इंडिया हैज ट्रेड एग्रीमेंट अर्थात वाणिज्य मंत्रालय ने उन देशों को निर्यात के लिए मतलब बाहर भेजने के लिए आवश्यक एक महत्वपूर्ण दस्तावेज जारी करने के लिए एक ऑनलाइन मंच तैयार किया है जिन देशों के भारत के साथ व्यापार समझौते हैं इससे क्या होगा कि कोविड नाइनटीन के समय पर जो व्यापार प्रभावित हो रहा है और उन देशों से हमारे समझौते हैं तो उस पर असर नहीं आएगा उस पर असर नहीं आएगा यह डॉक्यूमेंट किसने जारी किए ये किसके निर्देश मतलब किसके निर्देश पर जारी किए गए तो विदेश व्यापार महानिदेशालय जिसे डी कहते हैं डायरेक्टोरेट ऑफ डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड चलिए इंटरनेशनल चैंबर ऑफ कॉमर्स द्वारा मूल प्रमाण पत्र जारी करने के दिशा निर्देश दिए गए थे उन्हीं को एक्चुअल में कुछ देश होते हैं जो आपस में समझौता करते हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भारत का जिनके साथ है तो वहां पर ड्यूटी फ्री मतलब आप पर ड्यूटी में कंसेशन लगे होते हैं ड्यूटी अर्थात जब आप एक देश से दूसरी जगह माल बेचते हो तो वो आपके माल पर कोई ना कोई शुल्क लगाता है और यदि आपका किसी देश के साथ व्यापार समझाता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है तो फिर आप पर कोई भी शुल्क नहीं लगाया जाता तो आपको एक डॉक्यूमेंट दिखाना होगा जिससे कि छूट मिल सके जिससे कि छूट मिल सके आज इसमें अभी जो होगा एक तो जो भी एक्सपोर्ट चिली को हो रहे हैं चिली नाम का जो देश है जिसकी राजधानी सैन डियागो है साफ्टा जो नेपाल के साथ है साफ्टा जो सार्क कंट्रीज के साथ है और इंडिया और साउथ कोरिया के बीच में जो कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट है व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता तो किस किस के कि लिए लागू होगा चिली नेपाल सार्क देशों में नेपाल के साथ साफ्टा और इधर क्या जाता है भारत और दक्षिण कोरिया के बीच में व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता साफ्टा साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया सार्क शिखर सम्मेलन में इसको हस्ताक्षर किया गया था और यह एक जनवरी 2006 हजार एक जनवरी 2006 को लागू हुआ फिर से समझ लीजिए साफ्टा क्या होता है साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया इस बार ये हॉट टॉपिक है साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया 2004 में साइन 1 जनवरी 2006 को प्रभाव में आया 1 जनवरी 2006 को छ को प्रभाव में आया और ये इनमें सार्क का कोई भी देश सदस्य देश दूसरे देश में अपना फ्री ट्रेड कर सकता है बिना शुल्क बिना ड्यूटी वाला व्यापार कर सकता है सार्क के जितने भी देश हैं, आठ के आठ अफगानिस्तान बांग्लादेश भूटान भारत मालदीव नेपाल पाकिस्तान और श्रीलंका भारत में मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री कौन है अर्थात उद्योग एवं वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री तो पीयूष गोयल कैबिनेट मंत्री वाणिज्य एवं उद्योग पीयूष गोयल जबकि राज्य मंत्री हरदीप सिंह एंड सोम प्रकाश राज्य मंत्री हरदीप सिंह एंड सोम प्रकाश भारत के पहले वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्यामा तो प्रसाद मुखर्जी जी थे भारत के पहले वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे कौन थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी आगे आ जाते हैं क्वेश्चन आ सकता है कि किस राज्य सरकार ने फाइव टी प्लान किस राज्य सरकार ने कोरोना से लड़ने के लिए फाइव टी प्लान की घोषणा की है तो याद रखिएगा यह हमारा यूनियन टेरिटरी दिल्ली ने की है किसने की है यूनियन टेरिटरी दिल्ली इसका उद्देश्य क्या है कोरोना वायरस के प्रसार को रोकना कोरोना वायरस के प्रसार को रोकना उसके प्रसार को नियंत्रित करना इस पांच टीमें क्या है पांच टीमें पहले टी का मतलब है टेस्टिंग कि दिल्ली सरकार अपनी टेस्टिंग क्षमता बढ़ाएगी दूसरा ट्रेसिंग कि जो लोग भी किसी के कांटेक्ट में किसी पॉजिटिव कोरोना मरीज के कांटेक्ट में आए उनको ट्रेस करना टीम वर्क डॉक्टर जो स्वास्थ्यकर्मी है पुलिस सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ये साथ मिलकर टीम भावना से काम करेंगे जो मरीज पॉजिटिव है उनका उपचार और इस सब की निगरानी ट्रैकिंग एंड मॉनिटरिंग, टेस्टिंग ट्रेसिंग टीम वर्क, ट्रीटमेंट ट्रैकिंग एंड मॉनिटरिंग, तो ये क्या है ये कोरोना से निपटने के लिए इनका फाइव टी प्लान है क्या है फाइव टी प्लान इसमें जितने भी हॉटस्पॉट एरिया हैं जहां पर दिल्ली में कोरोना वायरस ज्यादा जैसे कल कुछ एरिया को पूरी तरीके से लॉक कर दिया गया कि वहां पर अब जो आवश्यक वस्तुओं की दुकानें थी दूध दही इन सब की ये भी बंद हो जाएंगी आपको जो भी चीज चाहिएगी दूध दही सब्जी से रिलेटेड वो आपके घर पर डिलीवरी होगी इससे क्या होगा कि अभी भारत दूसरी से तीसरी स्टेज की तरफ जा रहा है अब सेकंड से थर्ड स्टेज होती क्या है तो पहली स्टेज है कि जो डायरेक्ट व्यक्ति स्रोत से प्रभावित हुआ है जैसे कोई विदेश से आया लंदन से आया या कोई इटली से आया तो हमें उसका स्रोत पता है कि अच्छा वो अपने साथ वायरस लेके आया सेकंड होता है कि ये जो व्यक्ति वायरस लेकर आया इसके संपर्क में जो लोग आए इसके रिश्तेदार इसके करीबी व्यक्ति इसके रिश्तेदार या इसके करीबी व्यक्ति और तीसरा आता है कि जब ये रिश्तेदार करीबी व्यक्ति इससे किसी अन्य को इन्फेक्ट कर देते हैं संक्रमित कर देते हैं जैसा कि मान लो ये रिश्तेदार या करीबी व्यक्ति किसी दूध की दुकान पर जाता है दूध की दुकान पर ऐसे उसको टोकन को टच करता है मदर डेयरी पर एक स्वस्थ व्यक्ति उसी कॉलोनी का जिसका इनसे कोई संबंध नहीं है आता है वो भी ऐसे टच करता है उसके हाथ पर वायरस आ जाता है वो किसी तरह अपने मुंह या नाक तक ले जाता है और वो भी संक्रमित हो जाता है इसे थर्ड स्टेज कहते हैं और ये समुदाय कम्युनिटी स्प्रेड के बारे में कि अब समुदाय में फैल रहा है तो यहां कुछ ऐसे केस आए कि जब ये समुदाय में फैलने लगा है तो अब इसमें रैपिड टेस्टिंग लोगों ने स्टार्ट की है जैसे दिलसाड गार्डन निजामुद्दीन तो यहां लगभग एक लाख लोगों पर रैपिड परीक्षण रैपिड टेस्ट क्या होते हैं आपसे सिम्टम आदि पूछी जाती है लक्षण आदि कि जैसे जुकाम तो नहीं है खांसी तो नहीं है सूखी खांसी सांस लेने में तकलीफ तो नहीं हो रही बुखार तो नहीं है सर दर्द या बदन दर्द तो नहीं है यदि लक्षण आते हैं तुरंत उसको टेस्ट किया जाता है और यदि वो पॉजिटिव है तो उसको गवर्नमेंट क्वारंटाइन सेंटर में भेजा जाता है और उसके ऐसे लोग जिनको लक्षण नहीं आते उन्हें घर पे ही आइसोलेट किया जाता है ट्रेसिंग जो प्रोग्राम है ये ऐसे लोगों की पहचान के लिए है अब ये जो भी मैंने व्यक्ति बताया कि भाई ये व्यक्ति पॉजिटिव है इसके ये जिस, जिस के संपर्क में आया है या जिसके संपर्क में ये आया वो किन किन लोगों के संपर्क में आए ये फर्स्ट ये सेकंड, वो किन किन लोगों के संपर्क में आए ये थर्ड तो इसे कहते हैं ट्रेसिंग इन्हें फिर क्वारंटाइन किया जाएगा जिसके अंदर लक्षण है उसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल और जहां पर नहीं है लक्षण उस व्यक्ति को उसके घर में तीसरा ट्रीटमेंट लगभग दिल्ली में उन्तीस बेड ओवरऑल पूरी तरीके से कोविड 19 पॉजिटिव पेशेंट्स के लिए आरक्षित कर दिए गए और बाकी जैसे जरूरत पड़ेगी तो वैसे होटल बैंकुएट हॉल और धर्मशाला को भी रिजर्व करने का प्रोग्राम है चौथा राज्य केंद्र के साथ मिलकर इसमें भागीदारी करेगा ट्रैकिंग मॉनिटरिंग ये सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें क्या है कि जो लोग भी पॉजिटिव हैं, जिनको गवर्नमेंट में रखा गया है गवर्नमेंट हॉस्पिटल आदि और जो लोग पॉजिटिव के संपर्क में आए जिनको घर में ही आइसोलेट होने के लिए बोला गया है या क्वारंटाइन रहने के लिए बोला गया है जिनके अंदर अभी लक्षण नजर नहीं आ रहे तो याद रखिएगा उनकी ट्रैकिंग उनके मोबाइल नंबर आदि पुलिस को दिए जाएंगे और कोरोना वायरस अलर्ट करके सिस्टम जो है कोरोना वायरस क्वारंटाइन अलर्ट सिस्टम इसके जरिए पुलिस इन पर नजर रखेगी तो ऐसा तो नहीं है कि ये लोग कहीं क्वारंटाइन या आइसोलेशन से दूर जा रहे हो उसके अलावा डेली नीड्स के लिए ई ई पासेस और हेल्थ वर्कर सैनिटाइजेशन स्टाफ यदि किसी की भी मृत्यु कोरोना वायरस से हो जाती है उससे संक्रमित होने के कारण तो एक करोड़ मतलब अपने काम के दौरान यदि किसी स्वास्थ्य कर्मी में कोई संक्रमण पाया जाता है उससे उसकी मृत्यु हो जाती है भगवान ना करे मृत्यु हो तो एक करोड़ रुपए देने की भी घोषणा केजरीवाल ने की है सीएम केजरीवाल डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजल लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजल लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा की सत्तर सीटें होती हैं विधानसभा की सत्तर सीटें हैं लोकसभा की सात और राज्यसभा की तीन सीटें हैं राज्यसभा की तीन सीटें हैं दिल्ली के साथ एनसीआर क्षेत्र आता है जिसमें तेईस जिले आते हैं कितने जिले आते हैं? तेईस जिले आते हैं। जिसमें कितने जिले आते हैं? तेईस जिले आते हैं सबसे ज्यादा हरियाणा के चलिए कुछ और इंपॉर्टेंट स्कीम देखें। तो अभी उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने दिल्ली में एक रोटा वायरस होता है उसकी वैक्सीन लॉन्च की थी जिसका नाम है रोटा वैक फाइव डी याद रखिएगा रोटा वायरस नाम का एक वायरस होता है इसकी वैक्सीन लॉन्च की थी इस वायरस का नाम है रोटावेक फाइव डी मतलब इस वैक्सीन का नाम है रोटावेक फाइव डी फाइव डी भारत बायोटेक द्वारा बनाया गया है इसी तरह इंडो डच प्रोजेक्ट लोटस एच आर क्या है कि नीदरलैंड के साथ मिलकर भारत एक प्रोजेक्ट चला रहा है जिसमें नालों की सफाई की जाती है नालों के पानी का ट्रीटमेंट किया जाता है तो उसका नाम क्या रखा गया लोटस एच आर क्या रखा गया लोटस एच आर दिल्ली का बारापुला नाला है तो वहां पर जो शहरी सीवेज है उसका उपचार किया जाता है तो यह भी दिल्ली से संबंधित खबर है जो कि महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए आगे आ जाता है नेक्स्ट आ जाता है सहकारी समितियों के उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए पहली बार इंडिया इंटरनेशनल ये भी इसी से संबंधित है दिल्ली से कॉपरेटिव ट्रेड फेयर यह भी नई दिल्ली में ही हुआ इंडिया इंटरनेशनल कॉपरेटिव ट्रेड फेयर सहकारी समितियों के व्यापार को बढ़ावा देने के लिए इसी तरह पावर मिनिस्टर जो विद्युत मिनिस्टर आर के सिंह और प्रहलाद जोशी जो कोयला मंत्री हैं इन्होंने प्रकाश नाम की एक पोर्टल भी लॉन्च किया पावर रेल कोयला अवेलेबिलिटी थ्रू सप्लाई हारमनी इस नाम का पोर्टल भी इन्होंने लॉन्च किया प्रकाश इसी तरह सोलवा सेशन जो था इंडिया बेल्जियम लग्जमबर्ग इकोनॉमिक यूनियन इंडिया बेल्जियम और लग्जम्बर्ग इनके बीच का जो आर्थिक संघ है उसके सोलवे सेशन की बैठक भी नई दिल्ली में आयोजित हुई ये कोरोना वायरस के लॉकडाउन से पहले तो लोटस एच ये क्या है लोटस एच भारत और नीदरलैंड के बीच का एक नाले को सफाई करने वाला मिशन है जबकि सोलवा सेशन इंडिया बेल्जियम लक्जमबर्ग के बीच में प्रकाश एप है कोयले की अवेलेबिलिटी से जुड़ा हुआ पोर्टल है प्रकाश इनाम का इंटरनेशनल कोऑपरेटिव ट्रेड फेयर का आयोजन नई दिल्ली में हुआ रोटा वैक फाइव डी ये उपराष्ट्रपति जी ने लॉन्च की रोटा वायरस की वैक्सीन है इसके अलावा वाटर रैंकिंग में दिल्ली सबसे निचले स्थान में था जबकि मुंबई शीर्ष पर था वाटर रैंकिंग में और भारत की जो पहली प्राइवेट ट्रेन है तेजस ये नई दिल्ली से लखनऊ मार्ग पर चलती है नई दिल्ली से लखनऊ मार्ग दूसरा आपको याद हो तो अभी 110 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 110 किलोमीटर प्रति आवर की रफ्तार से आंध्र प्रदेश के रेनी गुंटा से निजामुद्दीन तक भारत दिल्ली के निजामुद्दीन तक एक स्पेशल मिल्क ट्रेन भी आई है एक स्पेशल मिल्क ट्रेन भी चली है।, चली है तो दिल्ली से जुड़ी हुई चार पांच जानकारी थी हाल ही में कौन कौन सी क्या क्या हुए याद रखिएगा आज आपकी ज्योग्राफी की क्लास है रिवीजन पूरी ज्योग्राफी अच्छे क्वेश्चन के साथ कल हिस्ट्री नौ बजे से जो होती है मैराथन परसों बायोलॉजी संडे को मैथ मंडे को रीजनिंग ट्यूसडे को स्टैटिक जीके के बारे में बहुत सारी बहुत सारे नया स्टेटिक जीके और याद रखिएगा छोटे अगले हफ्ते आपका ढाई सौ गुणा तीन तीन महीने के ढाई ढाई सौ क्वेश्चन मतलब एक क्वेश्चन एक महीने के ढाई सौ करंट अफेयर भी है जिसमें हम पिछला तीन महीना कवर करेंगे उसके अलावा जो परिवर्तन बैच है इसमें भी मैं इसकी टॉपिक वाइज जो करंट होता है ये स्टार्ट हो जाएगा नेक्स्ट वीक से एक-एक टॉपिक -एक को कवर करते हुए आगे आ जाता है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन डब्ल्यू के अनुसार कौन सा देश दुनिया में अंतरराष्ट्रीय पेटेंट के लिए आवेदन करने वालों में सबसे बड़ा स्रोत बना है, अर्थात वो देश सबसे ज्यादा बेटा बंद करो ना सबसे ज्यादा पेटेंट के लिए आवेदन करता है सबसे ज्यादा चीन स्पेन यूएसए रशिया तो याद रखिएगा करोगे बंद चाइना सबसे ज्यादा चाइना सबसे ज्यादा आवेदन करता है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार सबसे ज्यादा जो पेटेंट होते हैं पेटेंट अर्थात जो भी नए आविष्कार होते हैं अगर पेटेंट का मतलब सबसे ज्यादा चीन से हो रहे हैं तो इसका मतलब सबसे ज्यादा आविष्कार भी चीन में हो रहे हैं सबसे बड़ा आवेदक और पहले अमेरिका हुआ करता था अमेरिका सेकंड नंबर पे आ गया है लगभग अमेरिका सेकंड नंबर पे आ गया है अब चलिए जब से उन्नीस से पेटेंट ट्रीटी बनी है तो हमेशा अमेरिका टॉप पर रहता था और अब कौन है चीन सबसे ज्यादा पेटेंट के लिए एप्लीकेशन दायर करने में आपको याद होगा सबसे ज्यादा यदि एक कंपनी की बात करें कि किसने सबसे ज्यादा पेटेंट के लिए एप्लीकेशन दायर की है तो यह है हुआ वी टेक्नोलॉजी कौन सी टेक्नोलॉजी हुआ वी टेक्नोलॉजी आपको याद होगा कि हुआ वी के ऊपर डब्ल्यू एच ओ हुआ वी के ऊपर डब्ल्यू एच ओ सॉरी डब्ल्यू एच ओ कह रहा हूँ अमेरिका और चीन के बीच में विवाद था हुआ वी फाइव जी के लिए प्रोसेसर बनाने वाली कंपनी है इस पर यह आरोप लगा था कि डेटा को चाइनीज लोगों को लीक करती है चाइनीज सरकार को लीक करती है सबसे ज़्यादा इसने चार हजार चार सौ ग्यारह पेटेंट एप्लीकेशन फाइल किए बीस सालों में चीन ने अपने पेटेंट में 200 गुना वृद्धि कर ली है आप देख रहे हो कितनी तेजी से बढ़ता जा रहा है दूसरी तरफ तीसरे नंबर पर आ जाता है जापान चौथे पर जर्मनी पांचवे पर साउथ कोरिया यह है कि बावन परसेंट जो पेटेंट के एप्लीकेशन है वो एशिया में होती है कहां से जाती है एशिया से अर्थात ये अच्छी चीज है कि एशिया नए आविष्कारों के मामले में क्योंकि यदि आप पुराने आविष्कार देखोगे तो वो सारे के सारे कहाँ थे वो सारे के सारे यूरोप में हुए या अमेरिका में हुए अब कोई चीज़ देख लो टेलीफोन देख लो कोई भी चीज़ बल्ब देख लो टीवी देख लो लेकिन अब समय बदल रहा है अब एशिया धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है तो पहले नंबर पर चीन दूसरे पर यूएसए तीसरे पर जापान चौथे पर जर्मनी और पांचवे पर साउथ कोरिया और कंपनी के मामलों में देखोगे तो सबसे ज्यादा हुआ भी टेक्नोलॉजी वर्ल्ड वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशंस की एक दूसरे देश में पेटेंट में क्या बना रहे सहयोग बना रहे और आपस में कोई भी विवाद ना हो जैसे मान लो दो कंपनी और वाई उन दोनों ने सेम चीज बनाई वो अपना इसने अलग तो यदि हम बीच में एक संस्था दे देंगे वो इसे फाइल करेगा ये भी उसे जिसने पहले फाइल किया होगा पेटेंट उसे मिलेगा और उसकी जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है उसका कोई हनन नहीं कर पाएगा उसका कोई हनन नहीं कर पाएगा हेडक्वार्टर जिनेवा में 14 जुलाई उन्नीस को इसका गठन हुआ था फ्रांसिस गुर्री फ्रांसिस गुर्री इसके सीईओ है डब्ल्यू आई पी ओ वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन फ्रांसिस गुरी इसके सीईओ है याद रखिएगा ये जो जीआई टैग है जीआई टैग वो भी इसी संस्था की सिफारिश पर जीआई टैग वाली ट्रीटी है इसी संस्था की सिफारिश पर चौदह जुलाई उन्नीस सौ सड़सठ जिनेवा स्विट्जरलैंड जिनेवा स्विट्जरलैंड अब आ जाता है पेटेंट सहयोग संधि क्या है पेटेंट कॉपरेशन ट्रीटी पीसीटी क्या है यह लगभग 150 से अधिक देशों की अंतर्राष्ट्रीय संधि है इसमें क्या है कि डब्ल्यू के नेशनल स्तर पर और रीजनल स्तर पर ऑफिस होते हैं वहां आप पेटेंट के लिए एप्लीकेशन दायर करते हैं इससे कि जिस व्यक्ति ने मूल रूप से आविष्कार किया होता है उसको संरक्षण मिल जाता है उसको प्रोटेक्शन मिल जाती है उसके पेटेंट को उसके आविष्कार को जिससे कि कोई और उसकी कॉपी नहीं कर सकता मान लो किसी ने कोई नई चीज़ बनाई कोई मान लो वैक्सीन बनाई कोरोना वायरस की तो वो उस पर पेटेंट लेना चाहेगा कि मैंने जिस तरीके से बनाई है इस तरीके को कोई और कॉपी ना करे अगर ऐसा नहीं करेंगे तो उसका कोई फायदा नहीं होगा कोई ना कोई उसकी कॉपी कर लेगा जिससे कि वो जो वैज्ञानिक है जिसने उस आविष्कार को किया है उसे मोटिवेशन ही नहीं मिल पाएगा और फिर वो सही से कार्य मतलब होता है ना कि सबको अपना नाम चाहिए आप बल्ब का कहते हो बल्ब का आविष्कार किसने किया थॉमस एलवा एडिसन बाद में और पेटेंट लिमिटेड समय के लिए मिलते हैं याद रखिएगा लिमिटेड समय के लिए मिलते हैं फिजी फिजी के ऊपर एक सीवियर ट्रॉपिकल साइक्लोन बन रहा है गंभीर उष्ण कटिबंधीय चक्रवात इसका नाम क्या है हाल ही में फिजी के ऊपर एक उष्ण कटिबंधीय उष्ण कटिबंधीय चक्रवात जन्म ले रहा है इसका नाम क्या है हेरोल्ड गिरटा कैलवीनिया अंबाली तो याद रखिएगा ये जो नया तूफान आ रहा है इसका नाम है हेरोल्ड इसका नाम क्या है हेरोल्ड इसका नाम क्या है हेरोल्ड हेरोल्ड तो ये देखिए फिजी जो है ये हमारे बिल्कुल पैसिफिक ओशियन प्रशांत महासागर के या मैप जब देखते हो तो बिल्कुल सीधे हाथ की तरफ देखोगे तो ये क्या है ये वनाटू नाम का देश है यहां पे ऑस्ट्रेलिया है और ऑस्ट्रेलिया से भी सीधे हाथ की तरफ देखना यहां आपको फिजी मिलेगा क्या मिलेगा फिजी लगभग 240 किलोमीटर प्रति घंटे की हिसाब से हवाएं चल रही हैं और ये कैटेगरी फाइव का पहला उष्ण कटिबंधीय तूफान है जितनी भी कैटेगरी होती है वन टू थ्री फोर फाइव तो पांचवी कैटेगरी का मतलब श्रेणी पांच का ये पहला गंभीर उष्ण तूफान है हेरोल्ड हेरोल्ड 2020 तक दुनिया भर में सबसे तीव्र मतलब अभी तक इससे तीव्र नहीं आया है, इससे तीव्र अभी नहीं आया है चलिए मतलब 1988 के बाद में अब तक का सबसे घातक सबसे खतरनाक तूफान रहने वाला हेरोल्ड फिजी प्रधानमंत्री फ्रे फ्रैंक बेनी मारामा प्रधानमंत्री कौन है यहां के फ्रैंक बेनी मारामा राष्ट्रपति जियोजी कौन रोटे राजधानी सुबह फिजी की राजधानी क्या होती है सुबह और मुद्रा है डॉलर मुद्रा क्या है फिजियन डॉलर सौ परसेंट क्वेश्चन आएगा ये हेरोल्ड नाम का बहुत इंपॉर्टेंट है आएगा ही आएगा ये, आए ये दक्षिण प्रशांत महासागर है दक्षिण प्रशांत महासागर यह वनाटू नाम का देश है यह टोवालू ये, ये वेस्टर्न साल सोलोमन इधर सोलोमन आइलैंड है यह है फिजी फिजी के इस तरफ है टोंगा फिजी के इस तरफ क्या है टोंगा राजधानी सुबा फ्रैंक बेनी मारामा यहां के प्रधानमंत्री है उसके ऊपर फिजी के ऊपर देखोगे तो इधर आपका क्री आ जाती है क्या जाती है, आती है। तो याद रखिएगा यहां पे हेरोल्ड नाम का तूफान आ रहा है इसी प्रकार का एक मेडा साउथ पैसिफिक महासागर में लगभग 300 से अधिक दीपों का 300 से अधिक दीपों का अब देखिए ये तीन नाम होते हैं तूफानों के एक नाम होता है हरी केन क्या नाम होता है हरिकेन तो यदि आप उत्तरी पूर्वी पैसिफिक ओशियन में या अटलांटिक महासागर में अर्थात ऐसा समझिए यदि आप अमेरिका आदि के क्षेत्र में हैं या आप कैरेबियाई क्षेत्र में हैं, तो वहां पर हरिकेन कहते हैं यदि आप फिलीपीन या जापान में फिलीपींस में हैं या जापान में हैं, तो इसे टाइफून कहा जाता है क्या कहा जाता है टाइफून और यदि आप साउथ पैसिफिक ओशियन या हिंद महासागर में अर्थात भारत के आसपास हैं फिजी ऑस्ट्रेलिया ये सब तो यहाँ का क्या कहा जाता है तूफान या सिंपल साइक्लोन कहा जाता है क्या कहा जाता है साइक्लोन कहा जाता है इधर कुछ बड़े तूफान और उनके बारे में बता रखा वायु गुजरात फैनी तूफान उड़ीसा तितली भी उड़ीसा आया था गाजा तमिलनाडु डोरियन बहामास क्वेश्चन आते हैं डोरियन बहामास गाजा तमिलनाडु तितली उड़ीसा फैनी उड़ीसा वायु गुजरात रात में वायु फैनी तितली उड़ीसा गाजा तमिलनाडु डोरियन बहामास माइकल हरिकेन अमेरिका डियाना यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है मेडागास्कर, गास्कर यहां हमारी नौसेना ने आईएनएस एरावत के जरिए मदद पहुंचाई थी ऑपरेशन वनीला लॉन्च करके ऑपरेशन वनीला मेडागास्कर की मदद के लिए इसी तूफान से संबंधित था और जोगदारी टाइफून, ये जापान में आया है जोगदारी कहां पर आया है जापान में जेबी जापान कैलविन ऑस्ट्रेलिया चीन का मारिया चीन का मारिया एपिल फिजी में इससे पहले केनी आया है ऑस्ट्रेलिया का नोरा, अमेरिका का रिले ये हाल ही में जो फेमस तूफान आए हैं अमेरिका का रिले ऑस्ट्रेलिया का नोरा, कैलविन फिजी केनी और अभी हेरोल्ड, चीन का एपिल मारिया जेबी जापान का आ जाते हैं ये तो खैर इतना तो इंपॉर्टेंट नहीं है चलिए इटली के बारे में पढ़ लेते हैं क्योंकि इटली आजकल चर्चा में है बहुत दिनों से चलिए इटली दक्षिण मध्य यूरोप में स्थित है साउथ सेंट्रल यूरोप में स्थित है कुछ हिस्सा इसका वेस्टर्न यूरोप में भी आता है राजधानी रोम टाइबर नदी के किनारे करेंसी यूरो प्राइम मिनिस्टर ग्यूसेप कॉन्टे प्राइम मिनिस्टर ग्यूसेप कॉन्टे इसलिए अभी ज्यादा चर्चा में क्योंकि सबसे ज्यादा जो मृत्यु हुई है कोरोना से वो यहीं पर हुई है प्रेसिडेंट सर्जियो मटारेला प्रेसिडेंट सर्जियो मटारेला माउंट एटना यूरोप में सबसे ज्यादा इस समय सक्रिय सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी है वो इटली के सिसिली में कहां पर है इटली के सिसिली इटली के सिसिली में ये बच्चा इटली ये क्या है इटली ये सी है इटली और इनके बीच में क्रोटिया आदि के बीच में यह गल्फ ऑफ वेनिस अब मैं आपको इसमें बताऊं कि सबसे ज्यादा जो मृत्यु हुई है वो कहां पर है यहां पे लिगुरियन सी है यहां सी इधर एड्राइटिक सी पूछ सकता है इनमें से कौन से सी से यह नहीं घिरा हुआ इधर लिगुरियन सी आ जाता है क्या जाता है लिगुरियन सी ये सिसिली है यहां पे माउंट एटना है सिसिली में सबसे ज्यादा जो प्रभावित है वो नॉर्थ इटली प्रभावित है कौन सा है बच्चा नॉर्थ इटली सबसे ज्यादा जो इससे प्रभावित है वो नॉर्थ इटली प्रभावित है ये वाला इलाका कोरोना वायरस से और यही बहुत ज्यादा मृत्यु हुई है इस वाले इलाके में यह सबसे ज्यादा प्रभावित है या इसकी राजधानी है रोम इसी के अंदर दुनिया का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी भी बसा हुआ है क्या बसा हुआ है वेटिकन सिटी भी बसा हुआ है वेटिकन सिटी भी बसा हुआ है टाइबर नदी के किनारे यह है टाइबर नदी टाइबर नदी चलिए अलग अलग समुद्र इतालवी प्रायद्वीप को घेरे हुए हैं मेडिटेरियन सी एड्रेटिक सीनियन सी, सी दक्षिण में लिगूरियन सी और टायरेनियन सी ये पश्चिम में चलिए थर्ड पॉपुलस मेंबर स्टेट है यूरोपियन यूनियन का पहले नंबर पर जर्मनी और पो जो है यह इटली की सबसे लंबी नदी है पो इटली की सबसे लंबी नदी है छह किलोमीटर की और तो इसके उसमें 2021 का जो G20 ट्वेंटी समिट है दो देखिए 2019 का जापान में हुआ 2020 का वर्चुअल स्पेशल होना था कहां पर याद में लेकिन कोरोना की वजह से वर्चुअल हुआ और 2021 का कहां पर होगा इटली में और 2022 का कहां पर होगा 2022 का भारत में होगा तो 2021 G20 इटली में होगा और इटली ही 2026 के विंटर ओलंपिक की मेजबानी करेगा 2026 के विंटर ओलंपिक 2022 के तो बीजिंग में होने चीन बीजिंग और 2026 के इटली में होने 2026 के इटली में होने चलिए भैया चीन के बारे में था तो ये हो गया पूरा आगे आ जाते हैं। रक्षा सर्व ऐप जो लोग होम अपने घरों में क्वारंटाइन है उनको मॉनिटर करने के लिए उनको मॉनिटर करने के लिए किसने रक्षा सर्व ऐप लॉन्च किया है जो लोग घरों में हैं उनको मॉरंटाइन उनको मॉनिटर करने के लिए रक्षा सर्व तो देखिए भाई झारखंड की अगर इनमें से देखोगे तो प्रज्ञा में झारखंड की क्या है प्रग्ञाम बिहार के गरूर और इनमें से छत्तीसगढ़ पुलिस ने रक्षा सेवा नाम की एक ऐप लॉन्च की है रक्षा सेवा रक्षा सेवा किसने छत्तीसगढ़ पुलिस ने इससे क्या है कि जो लोग अपने घरों में होम वायल अलगाव में है तो उन्हें मॉनिटर करने के लिए उन पर नजर रखने के लिए कि वो कहीं उल्लंघन तो नहीं कर रहे वो कहीं उल्लंघन तो नहीं कर रहे इसमें क्या है कि एक अलार्म है जो हर एक घंटे पर अलर्ट करता रहेगा हर एक घंटे पर अलर्ट करता रहेगा हर एक घंटे पर अलर्ट करता रहेगा रक्षा सर्व कि भाई आपको घर से बाहर नहीं जाना है उसके बाद में आ जाता है यह जंजगीर पुलिस झारखंड के जंजगीर की पुलिस है जिसने इसको लॉन्च किया है और जैसे ही कोई व्यक्ति अपने फोन से लोकेशन से जिस लोकेशन को उसमें फीड किया गया है जिस मोबाइल टावर की उससे 200 मीटर दूर जाएगा तुरंत अलर्ट आ जाएगा पुलिस के पास तुरंत क्या आ जाएगा अलर्ट और फिर पुलिस उसको ट्रैक कर लेगी 200 मीटर दूर जाते ही और फिर लठ बजेगा उस पर ठीक है भैया 200 मीटर दूर जाते ही, 220 मीटर 200 मीटर है बच्चा, कितने मीटर 200 मीटर, जैसे वो व्यक्ति लोकेशन से 200 मीटर दूर जाता है तुरंत तो पुलिस को अलर्ट हो जाएगा और फिर लठ बजेगा हर घंटे एक सेल्फी भेजने की सुविधा भी है अर्थात कि आप पुलिस को अपने घर में से सेल्फी भेज सकते हैं भाई साहब अपने कमरे में हूं और वो अलर्ट आ जाएगा सेल्फी भेजो तो इसकी सुविधा भी है उसके बाद में और भी कई राज्यों की पुलिस है जैसे पंजाब ने कोवा पंजाब ने कोवा इसमें पांच मीटर की है गुजरात ने जोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम इसी तरह फेक दी खैर नहीं ये भी पंजाब का है टू तो ट्रैक फॉरेनर आंध्र प्रदेश ने भी लॉन्च किया है इसके अलावा कुछ और फेमस ऐप थी इस बार प्रग्ञ झारखंड की ई पासिस के लिए गरूर जितने भी माइग्रेंट आदि हैं वो इसमें रजिस्ट्रेशन कराएं जो भी बाहर से आए बिहार की कोवा पंजाब की और इसी तरह पूरे भारत के लिए भी एक ऐप है भारत सरकार की जिसका नाम है आरोग्य सेतु क्या नाम है आरोग्य सेतु ये इंडियन गवर्नमेंट की है भारत सरकार की छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ तो यह भैया छत्तीसगढ़ एक तरफ मध्य प्रदेश एक तरफ उत्तर प्रदेश एक तरफ झारखंड एक तरफ उड़ीसा एक तरफ आपका महाराष्ट्र एक तरफ तेलंगाना एक तरफ तेलंगाना और एक तरफ आ जाता भैया आपका चलिए राजधानी रायपुर राजधानी रायपुर एक नवंबर 2000 गठन हुआ वाइल्ड एशियन बफेलो जंगली एशियाई भैंस इसका पशु है पहाड़ी माया मैना माया नहीं मैना पहाड़ी मैना इनका राज्य पक्षी है पहाड़ी मैना राजकीय पेड़ साल राजकीय पेड़ साल एमपी, यूपी झारखंड महाराष्ट्र तेलंगाना आंध्र प्रदेश और उड़ीसा से घिरा हुआ है एक नवंबर 2000 को इसका गठन हुआ था अनुसुईया उपाल भूपेश बघेल यहाँ के चीफ मिनिस्टर है नेशनल पार्क तो यहां पर तीन नेशनल पार्क है एक गुरु घासीदास जिसको संजय नेशनल पार्क भी बोला जाता है एक इंद्रावती और एक कंगेर घाटी क्या होता है कंगेर घाटी एक क्या है कंगेर घाटी तो गुरु घासीदास इंद्रावती तो यहां पर है इंद्रावती इंद्रावती ये गुरु घासीदास हो जाता है ये क्या हो जाता है बच्चा गुरु घासीदास हो जाता है आपका गुरु घासीदास और कंगेर घाटी यहां पर है कंगेर घाटी यहां पर है चलिए भूपेश बघेल यहां के चीफ मिनिस्टर हैं और अनुसुईया उइके राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके राज्यपाल या गवर्नर अनुसुईया उइके के और सीएम भूपेश बघेल भूपेश बघेल दिनेश देव नारायण साउथ अफ्रीका वुमेन अंडर 19 हेड कोच दिनेश देवनारायण को दक्षिण अफ्रीका महिला अंडर 19 हेड कोच के रूप में चुना गया है ये फॉर्मर साउथ अफ्रीका की क्रिकेटर है दिनेशा देवनारायण भारतीय मूल की लग रही है दिनेशा देवनारायण अंडर 19 और वुमेन नेशनल एकेडमी जो एक उसकी हेड कोच दिनेश देव नारायण, दिनेश देव नारायण साथ वुमेन नेशनल एकेडमी जो है उसकी भी हेड कोच होंगी उसकी भी हेड कोच ये पहली फुल टाइम हेड कोच होंगी अंडर 19 क्रिकेट टीम की साउथ अफ्रीका के अंडर 19 क्रिकेट टीम की पहली याद रखिएगा जो टी अंडर 19 वर्ल्ड कप है महिलाओं का वो 2021 में बांग्लादेश में होना है अर्थात टी ट्वेंटी अंडर 19 वर्ल्ड कप जो है वो बांग्लादेश में होना है और अभी सीनियर वर्ल्ड कप हुआ था जिसमें ऑस्ट्रेलिया पांचवी बार जीती है यह महिला अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप, कप का पहला संस्करण जो टी ट्वेंटी अंडर नाइनटीन वर्ल्ड कप होना है दो में बांग्लादेश में वो अपनी तरह का पहला होगा पहला अंडर 19 वुमेन महिलाओं के लिए जबकि 2020 थाउजेंड ट्वेंटी आईसीसी टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप जो था यह ऑस्ट्रेलिया में हुआ और विनर भी कौन है ऑस्ट्रेलिया जबकि सेकंड भारत हरप्रीत कौर हरमनप्रीत कौर हरमनप्रीत कौर यह भारतीय कप्तान रही है हरमनप्रीत कौर यह भारतीय कप्तान रही है जो अभी आईसीसी टी वर्ल्ड कप हुआ था सीनियर टीम का प्लेयर ऑफ दीरीज दी बैथमूनी ऑस्ट्रेलिया पूनम यादव सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज हाईएस्ट स्कोरर शैफाली वर्मा जिन्हें हाल ही में पेप्सिको की ब्रांड एंबेसडर भी बनाया गया है पांच पारियों में एक रन पांच पारियों में एक रन जबकि बैथमूनी ऑस्ट्रेलिया की प्लेयर ऑफ द सीरीज पूनम यादव हाईएस्ट विकेट टेकर और वर्मा हाईएस्ट स्कोरर, शेफाली वर्मा शेफाई की ब्रांड एम्बेसडर भी बनी है और यंगेस्ट वुमेन क्रिकेटर है भारत की ओर से खेलने वाली बीसीसीआई अवार्ड में लिख लीजिए बेस्ट फीमेल क्रिकेटर पूनम यादव को मिला है बीसीसीआई अवार्ड जो है टू में दिए गए 2019 के लिए पूनम यादव बेस्ट क्रिकेटर जबकि सी के नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ये एस श्रीकांत को मिला पुरुषों में और महिलाओं में पूर्व भारतीय खिलाड़ी अंजुम चोपड़ा जबकि सर्वश्रेष्ठ फीमेल डेब्यू अवार्ड शैफाली वर्मा को मिला शैफाली वर्मा सचिव जय शाह है बोर्ड ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया उनतालीसवें अध्यक्ष सौरभ गांगुली सेक्रेटरी जय शाह अमित शाह के बेटे हेडक्वार्टर मुंबई सीईओ राहुल जौहरी दिसंबर उन्नीस में स्थापना सौरभ गांगुली इसके अध्यक्ष हैं मत सौरभ गांगुली क्या है बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं उनतालीसवें अध्यक्ष इसी तरह आईसीसीसी की बात करोगे तो अध्यक्ष शशांक मनोहर चेयरमैन हेडक्वार्टर दुबई और सीईओ है मनु सहानी सीईओ क्या है मनु सहानी 15 जून 1909 में आईसीसी का गठन हुआ था इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आगे आ जाता है दिव्यांश सिंह दिव्यांश सिंह विश्व रैंकिंग में सबसे ऊपर है जबकि एला वेनिल वलारी वन ने अपना सर्वश्रेष्ठ स्थान बरकरार रखा है रखा है दिव्यांग संबंधित है तो दिव्यांग पवार और इला वेनिल वलारी वन ये निशानेबाज है दिव्यांग सिंह कौन है निशानेबाज अप्रैल 2020 के महीने के लिए जो रैंकिंग आई है उसमें दिव्यांग सिंह और इन्होंने अपना स्थान बरकरार रखा है दिव्यांश पवार 10 मीटर एयर राइफल में 10 मीटर एयर राइफल 10 मीटर एयर राइफल राजस्थान से दिव्यांश पवार जबकि वलारीवन ये महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल में, में यह तमिलनाडु से इलावेलिन वेलारीवन महिला तमिलनाडु से जबकि दिव्यांश पवार राजस्थान से ये दोनों शूटिंग के खेल में 10 मीटर एयर राइफल में 10 मीटर एयर राइफल दिव्यांश पवार पुरुषों में सबसे ऊपर है और एलारी वन वेनिल वेलारी वन तमिलनाडु से अभी तक इंडिविजुअल अभी तक व्यक्तिगत गोल्ड मेडल हमें सिर्फ शूटिंग में आया है 2008 के बीजिंग ओलंपिक में अभिनव बिंद्रा अभी तक का इकलौता जो गोल्ड मेडल है व्यक्तिगत वह हमें इसी में आया है इसी तरह चंद्रो तोमर आकाश शूटर दादी और प्रकाशी तोमर रिवॉल्वर दादी ये भारत की सबसे ओल्डेस्ट और वेटरन शूटर से जो जौहरी गांव यूपी के जौहरी गांव की है चंद्रो और प्रखर ये बहुत ही ज्यादा क्योंकि इनके ऊपर पिक्चर बनी थी तो आ सकता है अभी तक शूटिंग में हमने एक गोल्ड जीता 2008 में जबकि सिल्वर 2004 में राज्यवर्धन सिंह राठौर 2012 लंदन ओलंपिक गगन नारंग और 2012 सिल्वर विजय कुमार लंदन ओलंपिक में 2016 में हम कुछ नहीं जीत पाए 2021 में उम्मीद है आगे आ जाता है ट्विटर ने कोविड 19 से लड़ने के लिए एक बिलियन डॉलर दान देने की घोषणा की ट्विटर का सीईओ कौन है एक बिलियन डॉलर दान देने की घोषणा ट्विटर का सीईओ कौन है मार्क जुकरबर्ग फेसबुक सुंदर पिचाई एल्फाबेट गूगल जेफ बीजोस, अमेजोन तो कौन बच गए जैक डोरसी जैक डोरसी ये ट्विटर के सीईओ है इन्होंने एक अरब डॉलर देने की घोषणा की है और यह एक डिजिटल पेमेंट कंपनी है स्क्वायर उसके भी सीईओ है डोरसी ट्विटर सीईओ जैक डोरसी 21 मार्च 2006 को स्थापना हुई यह जितनी भी कंपनी है चाहे वो अमेजन हो चाहे फेसबुक इन सब में सबसे एंड में इन्हीं की कंपनी की स्थापना कैलिफोर्निया में हेडक्वार्टर है सुंदर पिचाई गूगल अल्फाबेट के सीईओ हैं अल्फाबेट पेरेंट कंपनी है गूगल उसी के अंतर्गत आता है मार्क जुगर फेसबुक के सीईओ और संस्थापक है जेफ बिजोज अमेजन के सीईओ और संस्थापक है इंटरनेशनल रोमानी डे इंटरनेशनल रोमानी डे 8 अप्रैल को मनाया जाता है कब मनाया जाता है 8 अप्रैल तो देखिए लगभग पांच एडी के समय पर पांच सौ ईस्वी के समय पर हमारे यहां पंजाब हरियाणा राजस्थान से कुछ घुमंतु जाति कुछ घुमंतु जाति अपने परिवार के साथ बलूचिस्तान अफगानिस्तान होते हुए कहां चली गई यूरोप चली गई यूरोप चली गई इन्हीं को रोमानी कहते हैं आप रोमानिया से मतलब मत समझिएगा रोमानिया अलग देश है जिसका मतलब होता है रोम के लोग लेकिन यहां रोमानी का मतलब कुछ और है। रोमानी का मतलब यहां पर ऐसा समझिए कि जिनका जो वंश है ये भारत से निकले कहां से निकले भारतीय उपमहाद्वीप से इनको यूरोप में जिप्सी आदि कहा जाता है जैसे अपने यहां पे बंजारे होते हैं बंजारे तो हमारे यहां पर बंजारों को हीन नजर से देखा जाता है कैसा देखा जाता है हीन नजर से मतलब ऐसा सोचा जाता है कि वो लोग अविकसित होते हैं सिविलाइज नहीं होते ऐसा ही यूरोप आदि देशों में रोमानी लोगों के साथ भेदभाव किया जाता है इनको चोर समझा जाता है वहां इन्हें गाली दी जाती है जिप्सी कहा जाता है क्या कहा जाता है जिप्सी तो ये घुमंतु जाती है कैसी जाती है घुमंतु तो इंटरनेशनल रोमानी डे 8 अप्रैल को इन्हीं के लिए इनसे जुड़े मुद्दों पर ध्यान देने के लिए यह आठ अप्रैल को विश्व स्तर पर मनाया जाता है द इंटरनेशनल रोमानी डे 1990 में फोर्थ वर्ल्ड रोमानी कांग्रेस हुई थी पोलैंड में वहां पर इसका इसके बारे में चर्चा की गई थी रोमानी भारत से आने वाला एक जातीय समूह है इनकी अपनी भाषा और संस्कृति है जो हमारी संस्कृत से बहुत ज्यादा मिलती जुलती है इनकी जो भाषा है रोमानी रोमानी लोगों के लिए रोमानीपन कहा जाता है उनके परिवार रीति रिवाजों को रोमानीपन तो इनके साथ यूरोप में क्या होता है भेदभावादी होता है हालांकि यूरोपियन यूनियन इस मुद्दे पर नजर रखती है और समय समय पर देशों को जागरूक करती रहती है कि इन लोगों को भी मुख्य धारा में लेकर चला जाए अपॉइंटमेंट की बात करें तो भारती ए एक्सए लाइफ इंश्योरेंस पराग राजा इसके एमडी सीईओ बने भारतीय लाइफ इंश्योरेंस के पराग राजा मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ पराग राजा जबकि किसको हटाया है विकास सेठ को हटाया है पराग राजा भारतीय लाइफ इंश्योरेंस के एमडी सीईओ बने विकास सेठ को हराकर ये फाउंडिंग मेंबर भी है मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के और लगभग पंद्रह साल उसके साथ काम किया है अब भारतीय में आ गए भारतीय दो हजार पांच हेडक्वार्टर मुंबई मृत्यु में देखें तो रियल मेड्रिड एटलेटिको और बार्सिलोना इनके लिए खेलने वाले इनके पूर्व कोच रेडोमीर एंटिक रेडोमीर एंटिक इनका निधन हो गया इन्होंने बार्सिलाना को भी कोचिंग दी है रियल मेड्रिड को भी कोचिंग दी है और एटलेटिको को भी कोचिंग दी है रेडोमीर एंटेक फेमस फुटबॉल कोच है रेडोमीर एंटेक वैसे सर्बिया के थे कहां के थे सर्बियन फुटबॉल मैनेजर ये इकलौते व्यक्ति हैं जिन्होंने तीन क्लब को कोचिंग दी है तीन क्लब को तीन क्लब को कोचिंग दी है सर्बिया के थे नवाक जोकोविच जिन्होंने अभी जनवरी ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 जीता है ये भी सर्बिया के हैं नोवाक जोकोविच जिन्होंने अभी ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 जीता है ये भी सर्बिया के हैं जबकि वुमेन ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 ये सोफिया कैनिन ने जीता है किसने जीता है सोफिया कैनिन। और ये अमेरिका की है सोफिया कैनिन अमेरिका की है आगे आ जाता है 1960 में जो जेम्स बॉन्ड पिक्चर आई थी उनमें जो हीरोइन थी ब्लैक मैन ऑनर ब्लैक मैन इनका भी निधन हो गया चौरानवे वर्ष की आयु में ऑनर ब्लैक मैन इनका चौरानवे वर्ष की आयु में निधन हो गया जेम्स बॉन्ड की एक्ट्रेस है 1960 वाली की इंग्लैंड की है ऑनर ब्लैक मैन जेम्स बॉन्ड की पुराने में बहुत ज्यादा आते थे चलिए बच्चा अब आपका एक बार मेन रिवीजन करा देता हूं कुछ क्वेश्चन पुराने उनको देख लेते हैं विश्व रिकॉर्ड वित्त वर्ष 2020 में चित्रंजन लोकोमोटिव द्वारा कितने लोकोमोटिव बनाए गए अगर ये पिछले हफ्ते के क्वेश्चन है कि चित्रंजन लोकोमोटिव वर्क वेस्ट बंगाल इसने इंजन बनाना इंजन मतलब लोकोमोटिव इनको बनाने का रिकॉर्ड बनाया है तो 2020 में इसने कितने इंजन बनाए वेस्ट बंगाल में चार बनाए कितने बनाए चार सेंट्रल गवर्नमेंट की पहली व्यापक कोविड 19 ट्रैकिंग एप का नाम बताइए कोविड 19 ट्रैकिंग एप आरोग्य सेतु टोनी लुइस जिन्होंने डकवर्ड लुइस मेथड को डकवर्ड के साथ मिलकर बनाया था इनकी मृत्यु हो गई डीएलएस किस खेल में शामिल होता है क्रिकेट में होता है भाई निर्मल सिंह हाल ही में इनका मृत निधन हो गया ये ये कौन थे तो स्पिरिचुअल सिंगर थे स्पिरिचुअल सिंगर सिख धर्म से जुड़े हुए वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे इसकी थीम थी द ट्रांजिशन टू अडल्टुड कब मनाया जाता है तो ऑटिज्म अवेयरनेस डे दो अप्रैल को मनाया जाता है कौन सी वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ने उड़ीसा सरकार के साथ मिलकर मो प्रतिभा कार्यक्रम शुरू किया गया है तो मो प्रतिभा यूनिसेफ ने शुरू किया है किसने यूनिसेफ इरडा ने किस नाम से एक सस्ता स्वास्थ्य बीमा उत्पाद कोविड 19 के लिए हर कंपनी द्वारा अनिवार्य है मतलब हर कंपनी उसको अनिवार्य रूप से निकालेगी कौन सा स्वास्थ्य उत्पाद तो ये है आरोग्य संजीवनी कौन सा स्वास्थ्य उत्पाद आरोग्य संजीवनी आगे जाता है उस ऑर्गेनाइजेशन का, का निर्माण किया है अर्थात हेल्थ वर्कर्स को बचाने के लिए एक बायो सूट का निर्माण डी थर्ड एश एडिशन ऑफ एशियन यूथ गेम्स थर्ड एडिशन ऑफ एशियन यूथ गेम्स ये कहां पर होना है चीन में होना है और जो एचआरडी और आईटी मंत्री के आईटी मंत्रालय के राज्य मंत्री हैं संजय धोत्रे इन्होंने कोविड 19 की समस्याओं को सॉल्व करने के लिए कोविड 19 की समस्याओं को सॉल्व करने के लिए कौन सा कौन सी हैकाथल लॉन्च की है तो याद आ जाएगा इसका हैक द क्राइसिस इंडिया हैक क्राइसिस इंडिया अब आपके आ जाते हैं आज के क्वेश्चन आगे आ जाता है आपका आई एम आई टू पॉइंट जीरो आई एम आई टू पॉइंट जीरो तूफान हेरोल्ड ये किस देश से जुड़ा है तूफान हेरोल्ड ये किस देश से जुड़ा हुआ है तूफान हेरोल्ड तूफान क्या नाम है इसका डियाने ये किस देश से जुड़ा हुआ है डियाना किस खेल से मतलब किस देश से जुड़ा हुआ है दिव्यांश पवार किस खेल से और किस राज्य से दिव्यांश पवार किस खेल से किस राज्य से जन औषधि सुगम जन औषधि सुगम जन औषधि सुगम ये किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च की गई ऐप है किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च की गई ऐप है किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च की गई ऐप है आयुष्मान भारत योजना कब लॉन्च की गई थी 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 आयुष्मान भारत योजना साफ्टा सार्क फ्री एरिया ट्रे, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यह कब प्रभाव में आया साफ्टा कब प्रभाव में आया साफ्टा कब प्रभाव में आया साफ्टा कब प्रभाव में आया भारत के पहले भारत के पहले वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री कौन रहे हैं वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री कौन रहे हैं वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री कोरोना को काबू करने में करने के लिए फाइव टी यह किस राज्य सरकार की स्कीम है फाइव टी स्कीम रक्षा सेवा यह किस राज्य की पुलिस ने क्वारंटाइन उल्लंघनकर्ताओं पर नजर रखने के लिए ऐप लॉन्च की है रक्षा सेवा किसने लॉन्च की है रक्षा सेवा किसने लॉन्च किया रक्षा सेवा किसने लॉन्च किया लोटस एच आर लोटस एच आर यह किन किन देशों के बीच में नाले साफ करने वाला या वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्रोजेक्ट है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्रोजेक्ट डब्ल्यू आई पी ओ डब्ल्यू आई पी ओ की फुल क्या है इसका हेडक्वार्टर क्या है यह बनी कब है डब्ल्यू आई पी ओ बनी कब है इसका हेडक्वार्टर क्या है इसका हेडक्वार्टर क्या है इसका हेडक्वार्टर क्या है फिजी किस देश में पढ़ता? मतलब फिजी की राजधानी क्या है और यह कौन से समुद्र में स्थित है फिजी की राजधानी क्या है और फिजी कौन से समुद्र में स्थित है फिजी कौन से समुद्र में स्थित है फिजी कौन से समुद्र में स्थित है तेरे हो गए चौदवा चौदवा आ जाता है इटली की सबसे लंबी नदी कौन सी है इटली की सबसे लंबी नदी इटली की सबसे लंबी नदी और इटली किन किन समुद्रों से घिरा हुआ है इटली किन किन समुद्रों से घिरा हुआ है चौदह देखो कितनी सारी चीजें सीखी है पंद्रह पे आ जाते हैं 2021 का जी ट्वेंटी कहां पर होगा 2021 का जी ट्वेंटी कहां पर होगा 2021 का जी ट्वेंटी कहां पर होगा 2021 का जी ट्वेंटी कहां, कहां पर होगा दिनेशा देव नारायण इन्हें किस देश की महिला क्रिकेट टीम का कोच बनाया गया है दिनेश देव नारायण, दिनेशा नारायण, सोलह हो गए सत्रह पूछाए आईसीसी टी ट्वेंटी अंडर नाइनटीन विश्व कप 2021 किस देश में होगा टी ट्वेंटी अंडर नाइनटीन दो हजार इक्कीस किस देश में होगा अठारवा बीसीसीआई, बेस्ट फीमेल क्रिकेटर बेस्ट डेब्यूटेंट फीमेल क्रिकेटर का अवार्ड किसको गया और अभी जो आईसीसी का टी वर्ल्ड कप हुआ है ऑस्ट्रेलिया में उसमें भारत की तरफ से सबसे ज्यादा विकेट किसने लिए सबसे ज्यादा रन किसने बनाए सबसे ज्यादा रन किसने बनाए सबसे ज्यादा विकेट किसने लिए सबसे ज्यादा रन किसने बनाए आगे आ जाता इलावेनिन वलारी वन इलावेनिल वलारी वन इलावेनिल वलारी वन इन्हें अपनी कॉपी में लिख लो वन लाइनर करके इलावेरिन वलानी वल वलानी वलारी वन ये किस खेल से जुड़ी हुई है इलावेनी और ये किस राज्य से है किस राज्य से आगे आ जाते हैं अभी तक का व्यक्तिगत गोल्ड मेडल इकलौता व्यक्तिगत गोल्ड मेडल नोबल गोल्ड मेडल हमें कौन से ओलंपिक में किस व्यक्ति के द्वारा किस खेल में मिला अभी तक का व्यक्तिगत गोल्ड मेडल ओलंपिक में व्यक्तिगत गोल्ड मेडल जैक जैकडोर्सी चर्चा में है किसके कंपनी के ये सीईओ है जैकडोर्सी हाल ही में पराग जैन पराग राजा ये किस कंपनी के एमडी सीईओ बने बने पराग राजा किस कंपनी के एमडीसीओ बने हैं एमडीसीओ बने हैं राडोमीर एंटिक राडोमीर एंटिक ये किस इनका हाल ही में मृत्यु हो गई किस लिए चर्चा में थे राडोमीर एंटिक तो इस तरीके से आपके खूब सारे क्वेश्चन हो गए जो आज की क्लास से आप कर सकते हो इसमें बहुत सारे स्टैटिक भी है और ये सब आपको याद भी होंगे याद भी करते चले होंगे इसमें ऐसा कोई भी नहीं है कि जो आपको याद ना हो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना जिसने नहीं किया सब्सक्राइब लाल बटन दबाकर शेयर कर देना और बेटी आज ज्योग्राफी की नौ बजे से है, अच्छे क्वेश्चन हैं उजैर सर के साथ नए टीचर हैं अपने बहुत बढ़िया पढ़ाएंगे बहुत जबरदस्त तो आप जरूर लेना वो क्लास उसके अलावा आपको मैंने बता दिया तीन महीने का हम लोग अगले अगले हफ्ते करने वाले हैं मंगल बुद्ध या बृहस्पति में तीन हफ्ते का मतलब तीन महीने का जनवरी फरवरी मार्च का वन लाइनर रिविजन उसके अलावा बजे क्लास आपको रिवीजन कराएगा आज का का क्वेश्चन करा करा है तो इन सब का आंसर देना इन सारे क्वेश्चंस का आंसर देना ये बहुत इंपॉर्टेंट है छोटी 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 जीके की चीजें करंट के साथ मिक्स होके इटली चर्चा में तो लंबी नदी किन समुद्र से कौन प्रधानमंत्री ये सब लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना किसी ने एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप डाउनलोड नहीं किया तो कर लीजिए परिवर्तन बैच जरूर लीजिए आपको बहुत मदद करेगा दो क्लास चल रही है पंद्रह से फुल फ्लैश क्लास हो जाएंगी वो बहुत ज्यादा हेल्प करेगा ठीक है चलिए फिर थैंक यू जय इन जय जै भारत जय एग्जामपुर कर विजय एग्जामपुर